यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर के 3 अंक मिलते हैं तथा अशुद्ध उत्तर यानी गलत उत्तर पर उसे 1 अंक की कटौती हो जाती है। तो इक्वेशन पहली मेरी यहाँ से बन जाएगी। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक की कटौती हो जाती है तो यश को 50 अंक अर्जित होते हैं। तो टेस्ट में कितने प्रश्न थे आपको बताना है। अगर हम क्वेश्चन के ऊपर बात करें, एक टेस्ट होता है यश का, उसको 40 अंक मिलते हैं। मैं मान लेता हूँ मैथ का आपका पेपर है, उसको में आपके पास 40 नंबर मिले हैं। सही करने पर आपको 3 अंक मिलते हैं और गलत करने पर आपका 1 अंक कट जाता है। फिर मैं लेता हूँ इंग्लिश का आपका पेपर है, आपको 4 अंक मिलते हैं सही करने पर और 2 अंक आपके कट जाते हैं गलत करने पर, आपको अंक मिलते हैं टोटल 50। तो आपने बताना है कि टेस्ट में कितने प्रश्न थे, यानी कि पेपर में आपके पास कितने प्रश्न थे आपको बताना है। तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना सही उत्तरों की संख्याएं 1 माना गलत उत्तरों की संख्याएं हमारे पास है y। ये मेरे पास सही थे, ये मेरे पास गलत थे, दोनों को मिला दूंगा तो मेरे पास प्रश्न आ जाएंगे, यानी मेरा आंसर आएगा x प्लस वाई। अब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो सही करने पर मेरे पास 3 अंक मिलते हैं, यानी कि हो जाएगा 3 अंक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख दूंगा 3x। अगर मेरे पास आंसर गलत हो जाता है तो मेरा 1 अंक कट जाता है, यानी कि वाई मेरे पास कम हो जाते हैं, अंक मेरे पास आते हैं 40। इक्वेशन नंबर मेरे पास पहली आ गई, फिर यहाँ लिखता हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। दूसरी इक्वेशन के लिए 4 अंक मिलते हैं सही करने पर, यानी कि 4x हो जाएगा, और 2 अंक मेरे कट जाते हैं, यानी कि 2y, माइनस का 2y हो जाएगा, तो अंक मेरे पास आते हैं 50। इक्वेशन नंबर मेरे पास हो जाएगी दूसरी। सही में से गलत आपके कम हो जाएंगे तो आपके जितने मार्क्स हैं वो आपके पास आ जाएंगे। चलो क्वेश्चन को हम कर लेते हैं सोल्व। तो मैं इस्तेमाल करूँगा वर्ज गुणन विधि, उसके लिए हम स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखते हैं। तो 3x माइनस का वाई ये माइनस का 4 बराबर हो जाएगा 0। इक्वेशन मेरे पास पहले रहेगी, इसमें से आपको दिख रहा है कि 2 मेरे पास कॉमन आ रहा है, तो मैं 2 को ले लेता हूँ कॉमन, तो अंदर बच जाएगा मेरे पास 2x माइनस का वाई बराबर है 50। 2x माइनस का वाई 50, ये गुणा में था, इधर आके हो जाएगा भाग में, तुम्हारे पास आ जाएगा 25। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2x माइनस वाई माइनस 25 बराबर है 0। इक्वेशन नंबर दूसरी, इक्वेशन नंबर पहली और इक्वेशन नंबर दूसरी हमारे पास आ गई। हम इस्तेमाल करेंगे वर्ज गुणन विधि। इक्वेशन नंबर पहले लिखते हैं 3x माइनस वाई माइनस 40 बराबर है 0, 2x माइनस वाई माइनस 25 बराबर है 0। इक्वेशन नंबर पहली, इक्वेशन नंबर दूसरी, यहाँ पर लिखेंगे हम x, y और 1, ये हमारे पास वैल्यू है a1, a2, b1, b2, c1, c2 की। यहाँ पर हमारे पास वैल्यू लिखी जाती है b1, b2 की, यानी कि माइनस का 1, माइनस का, यहाँ पर वैल्यू लिखी जाती है c1, c2 की, यानी माइनस का 40 और माइनस का है 25। यहाँ पर वैल्यू लिखी जाती है a1, a2 की 3 और 2, यहाँ वैल्यू लिखी जाती है b1, b2 की, माइनस का 1, माइनस का 1। तो हम यहाँ लिखेंगे x, y और 1, बटे का साइन डाल देंगे, यहाँ लिख देंगे बराबर, यहाँ लिख देंगे बराबर। अब क्वेश्चन को कर लेंगे हम सॉल्व। माइनस का 1 गुणा होगा माइनस 25 से, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा 25। फॉर्मूले के अंदर माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 40। माइनस 40 को 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 80। फॉर्मूले के अंदर माइनस है, माइनस 25 को 3 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस का 75। ब्रैकेट कर देंगे बंद,
तीन को गुणा करेंगे माइनस एक से तो माइनस का तीन आएगा, फॉर्मूले के अंदर है माइनस, दो को माइनस एक से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस का दो, तो हमारी वैल्यू हो जाएगी x बटे में माइनस का पंद्रह, y बटे में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस का पिचहत्तर हो जाएगा, माइनस का सी है तो मेरे पास आ जाएगा माइनस का पाँच, एक बटे में माइनस माइनस प्लस यानी कि प्लस का दो हो जाएगा, माइनस का तीन, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का वन। तो दो इक्वेशन हमारे पास बनेंगी, एक इसके साथ एक इसके साथ, फिर एक इसके साथ फिर इसके साथ, तो हम दोनों इक्वेशन को यहाँ पर बना लेते हैं। x बटे में माइनस का पंद्रह बराबर है एक बटे में माइनस का एक, y बटे में माइनस का पाँच है बराबर है एक बटे में माइनस का एक। एक्स की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, यहाँ पर ये माइनस का पंद्रह भाग में है, यहाँ पर आ जाएगा गुणा में, यानी कि माइनस का पंद्रह भाग में माइनस का एक, माइनस से माइनस कट जाएगा तो एक्स की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी पंद्रह, माइनस का पाँच या भाग में उधर जाके हो जाएगा गुणा में, माइनस का पाँच भाग में माइनस का एक, माइनस से माइनस कट जाएगा तो वाई की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी पाँच। यानी कि आपने सही उत्तरों की संख्या है पंद्रह और गलत उत्तरों की संख्या है पाँच, दोनों को जोड़ दूंगा तो बीस क्वेश्चन, यानी कि आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर बीस क्वेश्चन हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा टेस्ट में प्रश्न, टेस्ट में प्रश्न हमारे पास है एक्स प्लस वाई पंद्रह प्लस पाँच यानी कि बीस। तो दोस्तों यही है आपका उत्तर।